आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिंस और फॉर के ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते होंगे, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती फिर भी आप सिंस और फॉर को पता पा सकते हो कि कहां पर वो यूज़ होगा। तो पहले आप जान लीजिए जो सिंस और फॉर रहते हैं वो प्रीपोजिशन के एक पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? प्रीपोजिशन के पार्ट हैं सिंस और फॉर। तो यही पहले हम जानेंगे कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पर होता है। तो सिंस का यूज़ वहाँ पर होता है जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है, यानी कि जब हमारा समय निश्चित रहता है कि यह काम इस साल हुआ था, इस महीने हुआ था, जब हमें महीने का भी नाम दिया रहता है, साल भी दिया रहता है और समय भी दिया रहता है, इन समय से कोई एक चीज़ दिया रहता है और समय भी निश्चित रहता है कि इस समय हुआ था, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि हमें उसमें कुछ भी नहीं पता रहता, जैसे कि यह काम 4 महीने पहले हुआ था। अब कौन से 4 महीने पहले हुआ था कुछ भी नहीं पता, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि 4 महीने पहले हुआ था, 4 दिन पहले हुआ था, 4 घंटे पहले हुआ था, 4 साल पहले हुआ था। तो यही सब जब हमें समय भी ना दिया रहे और महीना भी ना दिया रहे, कुछ भी ना दिया रहे, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर का। तो दोस्तों आइए कुछ एग्जांपल की मदद से हम सिंस और फॉर को पूरा पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर है सी हैज़ बीन हीयर 6 o'clock की, वह यहाँ पर 6 बजे से है। तो यहाँ पर हमें देखिए 6 बजे से दिया गया ना, यानी कि हमारे यहाँ पर समय क्या है? निश्चित है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा। जब भी समय निश्चित रहे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जब भी आपका समय निश्चित रहे ना, तो वहाँ पर सिंस लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर 6 बजे से है, हमें पता है कि वह 6 बजे से यहाँ पर है, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग 4 आवर की, 4 घंटे से बारिश हो रही है। तो कौन सी 4 घंटे से हो रही है, कितने बजे से हो रही है, कुछ नहीं पता ना, बस इतना पता है 4 घंटे से हो रही है, तो यहाँ पर लग जाएगा फॉर। यहाँ पर हमारा समय नहीं निश्चित है, बस इतना पता है कि 4 घंटे से हो रही है। कौन सा समय कितना, 2 बजे से हो रही है, 4 बजे से हो रही है, कुछ नहीं पता ना, तो वहाँ पर लग जाएगा क्या? फॉर। तो आइए दोस्तों अब अपने ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं कि आप बिना इंग्लिश जाने, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है फिर भी आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए, आई हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस 1960, तो मैं यहाँ पर इस घर में 1960 से रह रहा हूँ। मान लीजिए आपको इसकी हिंदी नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, आपका यहाँ पर समय दिया गया है ना कि 1960 से, तो यहाँ पर आप लगा देना सिंस। क्या लगाओगे? सिंस। जब भी आपका समय निश्चित, बस आप क्वेश्चन में देखो कहीं समय दिया गया है, कहीं डेट दी गई है, कहीं डे दी गई है, अगर ये तीनों में से कुछ भी दिया हो ना, तो वहाँ पर आप तुरंत सिंस लगा दो, अगर आपको उसकी हिंदी नहीं आ रही है। तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फ्लू 3 डे, मान लीजिए इसकी हिंदी हमें नहीं पता, तो यहाँ पर देखिए 3 डे दिया गया है ना। अब हमें ना यहाँ पर डेट दी गई है, ना डे दिया गया है, ना ही ईयर दिया गया है, हमारा समय निश्चित नहीं है कि वो कौन, यहाँ पर 3 डे दिया गया, अब कौन से 3 दिन नहीं पता ना, तो यहाँ पर आप लगा दो क्या? फॉर। जब भी आपका समय ना पता हो, सिर्फ यहाँ पर हमें 3 डे पता है, कौन से 3 दिन नहीं पता ना, जैसे कि मंडे ट्यूसडे कुछ भी नहीं पता ना, तो वहाँ पर आप सीधा लगा दो फॉर। तो दोस्तों फॉर लगाने के बाद आइए फॉर के और भी यूजेस होते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं फॉर का यूज़ और कहाँ कहाँ पर होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे कि इन एक्सचेंज ऑफ, जब भी आप कुछ भी बदलो ना, कुछ भी एक्सचेंज करो एक दूसरे से किसी से भी, तो वहाँ पर भी आपका फॉर का यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, व्हाट विल यू पे फॉर दिस रेयर पिक्चर, कि आप क्या पे कर सकते हो, क्या दे सकते हो इस फिल्म के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक्सचेंज की बात हो रही है ना, क्या आप दे सकते हो, तब आपको ये पिक्चर मिल जाएगी, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? फॉर होगा। जब भी कहीं एक्सचेंज आ जाए ना, कि जैसे कि कुछ भी कोई अदला बदली हो रही है, तो वहाँ पर भी आपका फॉर का यूज़ होगा। तो यहाँ पर एक और है, इन कंपेरिजन टू, जब किसी को भी किसी चीज़ से कंपेयर किया जाए, वहाँ पर भी आपका फॉर का यूज़ होगा। जैसे कि यू लुक स्मॉल डैश योर एज, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? फॉर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है ना, यू लुक स्मॉल फॉर योर एज, कि अपने तुम एज से, जितनी तुम्हारी एज है उससे तुम छोटे दिखते हो, तो यहाँ पर कंपेरिजन करा जा रहा है ना कि एज से और हाइट से, तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा? फॉर का यूज़ होगा। तो दोस्तों आई होप आपको सिंस और फॉर का यूज समझ में आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर सको। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या तो कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं उस पर एक नई वीडियो बना दूंगा।